गब्बर इज इन गुरुग्राम जेल। जी हाँ, आजकल गुरुग्राम की जेल में एक गब्बर जो है वो गिरफ्त में है। ये गब्बर कोई शोले फिल्म का गब्बर या फिर गब्बर इज बैक फिल्म का हीरो नहीं है, बल्कि ये गब्बर है गुरुग्राम और अलीगढ़ से हथियार सप्लाई करने वाला गब्बर, जिसकी उम्र केवल 20 वर्ष है। गुरुग्राम में क्राइम यूनिट सेक्टर 17 की टीम ने इस गब्बर को पकड़ा है। क्राइम यूनिट सेक्टर 17 की टीम को ये सूचना मिली थी कि ये अलीगढ़ से आने वाला गब्बर जो है गुरुग्राम में देसी कट्टों का सप्लाई करता है। फिर क्या था, गुरुग्राम पुलिस ने एक ऑपरेशन प्लान तैयार किया, जिसके तहत गुरुग्राम के मानेसर में इस गब्बर को धर दबोच लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको बार बार गब्बर क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसका नाम अभिषेक उर्फ गब्बर है, जिसकी उम्र केवल 20 साल है और ये अलीगढ़ का रहने वाला है। अलीगढ़ के रहने वाले इस गब्बर ने अलीगढ़ से लाकर गुरुग्राम में हथियार सप्लाई करने का काम लंबे समय से जारी रखा हुआ था। गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना काफ़ी लंबे समय से मिल रही थी और इसी के तहत ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत गब्बर से 25 देसी कट्टे, 2 जिंदा कारतूस और एक बैग भी बरामद किया गया है। फिलहाल गब्बर नाम के इस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके साथ और कौन कौन इसके इस काम में शामिल हो सकता है और ये हथियार किस किस को सप्लाई करता था। ये NCR में जो हथियार सप्लाई करने की इन्फॉर्मेशन सीक्रेट थी हमारे पास, उसी के तहत जो है ये ऑपरेशन किया गया, जिसको लीड किया है श्री प्रीतपाल, हमारे ACP क्राइम फर्स्ट हैं गुड़गांव के। इनके साथ टीम रही है सेक्रेटरी सतारा की और मानेसर के पास से इन्होंने इसे काबू किया है, इन हथियारों के समेत, जिसका नाम अभिषेक उर्फ गब्बर है। इसके फादर का नाम है चरणपाल, निवासी गांव बूढ़ा कृष्णगढ़ी, थाना गांधी पार्क, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का, 20 साल उम्र है, 10th तक ये एजुकेशन लिया है इसने। इसको कल काबू किया है, पर्चा दर्ज कर चुके हैं और इसके बाद आगे पहले कहां कहां सप्लाई होती रही और अब क्या होना था, इस बारे में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ें आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। कुल हथियार 25 हुए हैं, 2 लाइव कार्टेजेस हैं जो लोड था, एक हथियार जो इसके खुद के पास था, बाकी इसके इकट्ठा बल्क में लिए हुए था बैग में। अभी तक की पूछताछ में जो आया है वो UP से हथियार आए हैं, डिटेल में अभी पता लगेगा इंटरोगेशन में। वो भी अभी मैंने जैसा आपको बताया कि डिटेल इंटरोगेशन के बाद ही पूरी मॉडल सुपरेंडाई का पता लगेगा, हम आपसे शेयर करेंगे इस बारे में। अकेला ही ये शामिल था या फिर कुछ और लोग इसके शामिल होंगे? नेचुरली और लोग भी शामिल होंगे, अकेला आदमी शायद इतना काम नहीं कर सकता। सर, इसका बैकग्राउंड पता लग पाया है? जितना पता लगा है और बताने लायक था मैंने बता दिया, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ज़्यादा डिटेल्स जो हैं हम सारे फैक्ट्स और सारी एविडेंसेस सामने आने पे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर ये गब्बर कौन सी जगह पर अपने हथियार बेचा करता था। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9643107600।